जी तो नाजरीन, पाक फन टेलीविजन पेश कर रहा है स्टेज ड्रामा दीवाना पन, जिसके राइटर और डायरेक्टर हैं फखर जमान। रावलपिंडी आर्ट काउंसिल में ये ड्रामा पेश किया गया। तो आइए देखते हैं ड्रामा दीवाना पन। ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ
खवातीन हजरात, अगले जुमे लड़कियों का दंगल है, अपनी एंट्री करवा लें। पास हो
आज
है कानून का माहौल। और मेरा बेटा, मैं आज तुझे नसीहत करती हूँ, जहाँ पे भी सच्चाई, ईमानदारी और दयानतदारी की बात आए, अपनी जान की परवाह ना करना और रिश्वत को बिल्कुल भी नजरअंदाज करना है तुमने। सुन रहे हो ना? जो हक हलाल है वो ही घर लेके आना, क्योंकि हक हलाल में बरकत होती है। मामू जान भरे गए होंगे। हां जी, हम देखो सने
ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਲ ਦੇ ਟੋਪੀ ਸੀ ਦੇਖੋ।
ਚੜਿਆ
हो सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक, रात से लेकर सुबह तक, सुबह से फिर शाम तक, लफ लानत। Oh.
Thank you.
मोसेस हाजरीन यहां पर थे। 30 सेकंड का कर्टन क्लोज होगा और उसके बाद नेक्स्ट सीन की तरफ हम बढ़ेंगे। ड्रामे का बकिया सा देखिए। अच्छा, अच्छा कहीं से भी ढूंढ के ला हमारी बहू को। हाँ
एक छोटा सा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि तुम्हारी शादी प्यार करूं मैं। शादी तुम करो किसी और से। देखो तुम गलत कर रहे हो। तुम जानते हो ना अच्छा पुलिस में वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। पुलिस में मुझे वो क्या कहेगा? इसका कोई रोने धोने वाला ना हो उसे किस चीज की फिक्र हो सकती है? मैंने जो करना चाहा वो कर दिया, अब मैं जो कहूँ तुमने वो करना। मैं कुछ नहीं करने वाली, मुझे अब घर जाना है। और इसे अपना घर समझो। ये मेरा घर नहीं है, मुझे अपने घर जाना है। मामा पापा मेरे इंतजार कर रहे होंगे। अब वहाँ पे तुम्हारा कोई भी इंतजार करने वाला नहीं है। उन सबको ये पता चल चुका है कि तुम अपनी मर्जी से मेरे साथ आई हो। लेकिन मैं अपनी मर्जी से नहीं आई। देखो मुझे मुझे जाने दो। देखो मैं तुम्हारा नाम बिल्कुल नहीं लूंगी। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और प्यार करता हूँ। आई लव यू किरण, आई लव यू किरण। कोई मरता है तो मरने दो, उनको अपने दिल से निकाल दो। अब अपने दिल में सिर्फ मेरे लिए जगह रखो बस। तुम अब सिर्फ यहाँ पे रहोगी और मेरे आने का सिर्फ इंतजार करो। मैं अपना दूल्हे वाला जोड़ा और तुम्हारे लिए रेड सूट अभी लेके आ रहा हूँ। आज ही हम शादी करेंगे। मुझे तुमसे शादी नहीं करनी, मुझे घर जाना है। बस सिर्फ इंतजार करो, सिर्फ इंतजार। Thank you.
बन जाए, कानून के शिकंजे से नहीं बच सकता। किरण मेरी है और इसे मुझसे कोई नहीं लाल निकाल सकता। बस बंद करो, किरण सर मेरी है। किरण बताओ, मैं इसको बताओ मुझसे मेरी हो, मेरी हो सिर्फ। मैं तुम्हारी नहीं हूँ, मैं तुम्हारी नहीं हूँ। बस बंद करो, पकड़ से तुम मुझे नहीं पकड़ सकते हो। हम दोस्त थे लेकिन अब मैं कानून का मुहाफिज हूँ, और मुजरिम और कानून दोनों दोस्त नहीं हो सकते। भलाई तुम्हारी इसी में, अपना जुर्म कबूल कर लो और कानून के हवाले कर लो अपने आप को। किरण प्लीज, ये तुम क्या कह रही हो? किरण बताओ इनको, तुम क्या कह रही हो? पागल नहीं, दीवाना बोलो, दीवाना दीवाना हो गया हूँ मैं तुम्हारा, दीवाना हो गया हूँ मैं तुम्हारा। इसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बड़े बड़े जो सरकार उनसे भी हो जाती हैं, लेकिन फखर जमान को ये क्रेडिट जाता है कि उसने सारी टीम को बड़ा बांध के रखा और बहुत अच्छा फिल्मबंदी जो ड्रामा है वो उन्होंने पेश किया। रावलपिंडी के आर्टिस्ट पूरी दुनिया में, मैं बड़े फखर से कहता हूं, पूरी दुनिया में माने जाते हैं। काश काश ये फनकार एक हो जाए। आज का ये ड्रामा जिसकी तहरीर इनके अंदर मौजूद थी वो किसी पेपर पे मुंतकिल नहीं हुई, लेकिन मैं समझता हूं ये सोच बहुत अच्छी थी। इसमें जो मैसेज था वो बड़ा अच्छा था कि अगर आपने जान देनी है तो अपने मां बाप की खातिर, इस मुल्क इस मादरे वतन की खातिर दे,
जिंदगी बहुत अनमोल तोहफा है, इसको इस तरह जाया मत कीजिए। आप सबका बहुत शुक्रिया जी। और माइक में दे रहा हूं फखर जमान को, जो इस ड्रामे के कर्ता धरता है, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो आप सब लोग आए मेरे लिए, थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को यकीनन डेली मैसेज करता हूं, और आप आए सब टाइम निकाल कर आए। जैसे कि सब कुछ इमरान रशीद साहब ने बता दिया है कि इस ड्रामे की कोई रियासत नहीं थी, और बस बदिया हम लोग जुबानी काफी, क्योंकि यहाँ पे मसरूफियत काफी थी पिछले कुछ दिनों में, मेरी अपनी मसरूफियत काफी ज्यादा होती है, क्योंकि ये जो स्क्रिप्ट था ये मेरा फिल्म का है, क्योंकि इसके बाद मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डिंग्स में और स्टेज पे करने में मुझे आज पहली दफा कुछ फर्क नजर आया है, क्योंकि मैंने हमेशा कैमरे के आगे काम किया है, स्टेज पे मैं एक एक गाना करता हूँ आगे, तो वो एक गाना बेस्ट होता है, इतने लंबा ड्रामा मेरे बस की बात नहीं है, ये मैं अपने मुंह से कह रहा हूँ। और जो मेरे आर्टिस्ट यहाँ पे जो डायरेक्टर जो करते हैं, आज मैं उन सबको सलूट मारता हूँ कि इतना मुश्किल काम वो इतने अच्छे तरीके से निभाते हैं, क्योंकि मुझे आज समझ आ गई। और आप सब लोग आए, मैं कुछ दोस्तों को बुलाऊंगा स्टेज पे, क्योंकि टाइम बहुत काफी ज्यादा हो गया, बल्कि लाइट की प्रॉब्लम से मेरे ऑफिस से कुछ दोस्त आए, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू उनकी हौसला अफजाई का। और जितने भी दोस्तों को मैंने बुलाया, अपना डॉक्टर साहब आप भी आ जाए, डॉक्टर साहब अपना विजय साहब आप भी आए, ठीक है, और मेरे लिए फैसल खान साहब फतेह जंग से स्पेशली आए, उनका बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। सकरायन अब्बास नकवी साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया, क्योंकि और रशीद साहब का तो हमारे यहाँ काम रहता है रावलपिंडी आर्ट काउंसिल की तरफ से, उनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं। अब जी वक्त चुके आज लाइट के, जैसे ड्रामा काफी लेट शुरू हुआ, एक अनाउंसमेंट जो बहुत जरूरी मैं समझता हूँ, आप लोग जो बैठे हुए, 1 नवंबर को पाकिस्तान के बहुत बड़े लेजेंडरी एक्टर जनाब नवाज अंजम साहब के साथ एक शाम यहाँ पर हम मना रहे हैं, 7:00 PM इसी पंजाब आर्ट्स काउंसिल रावलपिंडी की जो छोटा हाल है उसमें एक छोटी सी तकरीब है, आप लोगों ने जरूर उस पर आना है 1 नवंबर 2022 को। और उसके साथ साथ 6 तारीख को एक ड्रामा पासबान के नाम से इसी ऑडिटोरियम में पेश किया जाएगा, जो मैडम नाहिद मंजूर साहबा की तहरीर हिदायत है, उसमें भी आप लोग जरूर आइएगा जी। बशारत जाफरी साहब यहाँ पे मौजूद है जी, हम उनको खुश आमदीद कहते हैं, और उनसे गुजारिश है कि स्टेज पर आ जाएं। मैं अपने कुछ दोस्तों को स्टेज पे इसलिए बुला रहा हूँ कि मेरा एक ग्रुप फोटो हो जाएगा, तो हामिद भाई से आप रिक्वेस्ट करूंगा, इलियास भाई है, और मैं किसी का नाम नहीं ले पा रहा, तो वो मुझे देख रहा है तो वो आ सकता है मेरे पास, मुझे कोई सुंदर रानी टेक्सा से आई है मेरे लिए स्पेशली, मैम सहमा आई हुई है, सना आई हुई है, मैम सना ने बड़ा मेरे साथ काम किया इस ड्रामे में, उन्होंने स्पेशली इस ड्रामे में काम भी करने की कोशिश की, मैम सहमा आप भी आए प्लीज, राव सर आ जाए, नदीम भाई आप भी आ जाए, मैम कंवल आप भी आ जाए, ये सिर्फ एक ग्रुप फोटो खींचनी है हमने, आ जाए जी, जिस दोस्त बैठे हुए मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं हमारे तमाम जितने भी मेहमान हैं सारे माशाल्लाह फखर साहब की मोहब्बत में आए हैं, सुंदर सानी साहब जहां पर भी हैं स्टेज पर तशरीफ ले आए, हमारे दरमियान एक बहुत कदावर शख्सियत मौजूद है जी, बशारत जाफरी साहब पाकिस्तान टेलीविजन के चीफ कैमरामैन और यहां पर एक ड्रामा भी कर चुके हैं, तो मेरा ख्याल है कि इन्हीं से पूछ लेते हैं कि सर आज के ड्रामे के बारे में क्या कहना है। अस्सलाम वालेकुम, सबसे अच्छी बात यह है कि अगर इन्होंने एक रिहर्सल भी नहीं की और ड्रामा आपके सामने पेश किया है तो दैट्स ग्रेट, मैं इनको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ, और सिचुएशन में फखर आपकी मेहनत को आपका गाना लास्ट में बहुत अच्छा था, इन भाभी का और इनका इनकी लड़ाई बहुत अच्छी थी, आइडिया बहुत मैसेज बहुत अच्छा था, तो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, और आप सबको शाबाश, थैंक यू जी। और ये जो लड़ाई आपने देखी ये मुझे लगता है कि ये ड्रामा जो कि स्क्रिप्ट तो था नहीं, ये ना कि गुजारती कर दी थी, किसी ने ऐलान भी किया था कि अगले दंगल अगले जो भी कुड़ियों का दंगल है तो तुम एंट्री करा, तो भाई जान हमारे जितने भी मेहमान आए हैं कोई दोस्त अपनी मर्जी से कोई बात कहना चाहे, वरना लाइट्स हमें बार बार देख करके वो जी सर प्लीज। अस्सलाम वालेकुम,
बहुत अच्छा ड्रामा था माशाल्लाह, और बड़े शॉर्ट थे, में बड़ा अच्छा मैसेज दिया सबको मौका दिया। क्या जी आओ, हेलो, मैं जनाब आपके दिल दिया तय कर रही है जो मैसेज देता हुआ कि माशाल्लाह बहुत दिल खुश है और वाह जी वाह।